हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे पुष्पक्रम के प्रकार की बात कर रहे थे, जिसमें नंबर एक अशिवाक्ष, पुष्पक्रम की बात कर रहे थे। जिसमें कुछ पॉइंटों की हम बात कर चुके थे, अशिवाक्ष यौगिक, अशिवाक्ष स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन, इन सब का अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो इसी का टाइप चल रहा था, यानी स्पाइक भी पढ़ चुके थे और स्पेडिक्स, स्पेडिक्स क्या है? इस प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर पुष्पावली व्रंथ होती है। ये पुष्पावली व्रंथ है और ये मांसल हो जाती है। पुष्पावली व्रंथ मांसल हो जाती है और ये सह पत्रों से क्या होती है, ढकी होती है। और ये किस में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है, मक्का में। यानी जो पुष्पक्रम का प्रकार होता है, जो कौन सा होता है, स्पेडिक्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, समसिक प्रकार का पुष्पक्रम होता है, जो किस में होता है, समसिक। आइवेरिस, इसमें समसिक प्रकार का होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें पुष्पक्ष होता है, छोटा होता है, जिसमें नीचे के पुष्पों के व्रंथ होते हैं जो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तथा ऊपर के पुष्पों के व्रंथ होते हैं जो छोटे होते हैं। लेकिन ऊपर से ये समान ऊंचाई में दिखाई देते हैं, इसे बोलते हैं समसिक प्रकार। बोलते हैं कि ऊपर से सभी पुष्प होते हैं जो समान ऊंचाई में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में है छत्राकम्प्लेट टाइप। ये प्याज में होता है, ब्रह्मा बूटी है, प्याज के अंदर है या ब्रह्मा बूटी है, जिसमें छत्राक या अम्ब्रेल टाइप बोलते हैं। अर्थात इसकी विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पवृंत के शीर्ष भाग से सभी पुष्प होते हैं जो एक स्थान से निकलते हैं, इसे बोलते हैं छत्राक प्रकार का। यानी ये प्याज में होता है, ब्रह्मा बूटी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यौगिक छत्राक, यौगिक, जैसे आप यौगिक की बात करें तो यौगिक छत्राक में क्या होगा कि दो या दो से अधिक छत्राक मिलकर, यानी क्या बनाएंगे, यौगिक छत्राक का निर्माण करेंगे। और ये होता है जैसे गाजर है, धनिया है, शौंप है, अम्ब्रेल कंपाउंड होता है इसमें। एक प्रकार से इसे बोलते हैं यौगिक छत्राक बोलेंगे। अर्थात ये इस प्रकार से होगा कि दो या दो से अधिक छत्राक मिलकर यौगिक छत्राक का निर्माण करेंगे। और ये किस में पाया जाता है? गाजर और धनिया में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आगे जो पुष्पक्रम का जो प्रकार है, अशिवाक्षी में जो होगा मुंडक प्रकार। यह पुष्पक्रम होता है जो कंपोजिटी कुल में पाया जाता है, जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी, गेंदा है, जीनिया है, जो कंपोजिटी कुल के सदस्य हैं, उसके अंदर मुंडक प्रकार पाया जाता है।
और इसके अंदर उस पक्ष होता है जो फैलकर एक क्या बनाता है, उस चक्रासन बनाता है जिसमें दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। ये दो प्रकार के पुष्प लगते हैं और इसके अंदर ये दो प्रकार के पुष्प लग रहे हैं। बाहर की ओर रश्मि पुष्पक है और जो केंद्र में है, जो केंद्र में आप देख रहे हैं, और ये है बिंब पुष्पक। बिंब पुष्पक है, दो प्रकार के पुष्पक होते हैं, इसे मुंडक बोलते हैं और एक कंपोजिटी कुल के सदस्य में पाया जाता है। तो ये था 80 मार्क्स पुष्परम के प्रकार थे। इसके बाद में हम बात करते हैं सस्यमाक्षी। सस्यमाक्षी साइमोस्टाइप, साइमोस्टाइप पुष्पक्रम होता है। ये क्या होता है, साइमोस्टाइप की यदि बात करें तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली व्रंत होती है जो पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है, जिससे पुष्पक्ष होता है। ये पुष्पक्ष है और इस पुष्पक्ष के अंदर सीमित वृद्धि होती है। पुष्पक्ष में क्या होती है, सीमित वृद्धि होती है तथा पुष्प होते हैं जो एक प्रकार से तलाबिसारी क्रम में जुड़े होते हैं, यानी नीचे की ओर तलाबिसारी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें जो जुड़े होंगे तलाबिसारी क्रम, ध्यान रहे जबकि आपने असीमाक्षी में पढ़ा था उसमें कौन सा क्रम होता है, अग्राभिसारी, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो इसके अंदर जो पुष्प होंगे जो कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, तलाबिसारी क्रम में। अर्थात असीमाक्षी पुष्पक्रम के निम्न प्रकार हैं, क्योंकि इसमें पुष्प पक्ष में क्या होती है, सीमित वृद्धि होती है। नंबर एक एकल कक्षीय, एकल कक्षीय, एकल कक्षीय। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें पुष्प होता है जो शीर्ष में न लग के पत्ती के कक्ष भाग में लगता है, ये पुष्प है। और ये किस में पाया जाता है, गुड़हल में होता है, गुड़हल चाइना रोज, यानी एक प्रकार से इसके अंदर होता है जो एकल कक्षीय पाया जाता है। एकल शीर्षस्थ होता है जो शीर्ष भाग में जाकर लगता है। और ये किस में पाया जाता है, गुलाब में, यानी इसमें पुष्प होता है जो कौन से भाग में लगेगा, शीर्ष भाग में लगेगा, जिसे बोलते हैं एकल शीर्षस्थ, एकल शीर्षस्थ बोलेंगे। और ये होता है जो किस में पाया जाता है, गुलाब में। और एकल कक्षीय होता है जो किस में पाया जाता है, गुड़हल में, जो पत्ती के कक्ष भाग में लगता है। इसके बाद में नंबर दो है एक साकी सस्यमाक्ष। एक साकी सस्यमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर पुष्पावली व्रंथ पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है तथा इसके नीचे एक शाखा निकलती है जो पुष्प उत्पन्न करती है। एक शाखा निकलेगी, इसे कहा जाता है एक साकी। ये होता है एक प्रकार से कपास है, मकोए है, मकोए है। इसके अंदर जो पुष्परों का जो प्रकार होगा, जो एक साकी सस्यमाक्षी होता है, ध्यान रहे इसमें पुष्पावली व्रंथ होती है, ये तो पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है तथा इसके नीचे पार्श्विक शाखा निकलती है जो पुष्प उत्पन्न करती है। उसके बाद में द्विशाखी, द्विशाखी सस्यमाक्षी। इस प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होता है कि पुष्पावली व्रंथ होती है जो पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके नीचे पार्श्व में दो शाखाएं निकलती हैं जो पुष्प उत्पन्न करती हैं, नीचे दो शाखाएं निकलती हैं जो पुष्प उत्पन्न करेगी, ये होता है द्विशाखी। ये द्विशाखी है और ये होता है चमेली के अंदर, चमेली है डायंथस, चमेली डायंथस। इसके अंदर एक प्रकार से जो पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है जो द्विशाखी पाया जाता है। तो ध्यान रखें कि इसके अंदर पुष्पावली व्रंथ होती है, ये पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है तथा इसके पार्श्व में जो साइडों में आप देख रहे हैं कि दो शाखा निकलेंगी और ये पुष्प उत्पन्न करेंगी। उसके बाद में है बहुशाखी, बहुशाखी पुष्पक्रम क्या है, यानी ये पाया जाता है आक है हेमेलिया है, आक है कि जिसे आप कैलोटोमिस बोलते हैं, आक
कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, हेमेलिया है, हेमेलिया इसके अंदर बहुशाखी ससिमाक्षी पुष्परम पाया जाता है और इसमें भी एक प्रकार से पुष्पावली रथ पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके नीचे अनेक शाखाएं निकलती हैं, अनेक शाखाएं निकलती हैं जो पुष्प उत्पन्न करती हैं, अनेक शाखाएं निकलती हैं जो पुष्प उत्पन्न करेगी, जिसे कहा जाता है बहुशाखी पुष्पक्रम। तो ये आप हेमेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखें। तो पुष्पक्रम की जो प्रकार हैं, नंबर एक आपने असिमाक्षी पढ़ा, असिमाक्षी पुष्पक्रम की विशेषताएं आप समझ चुके होंगे कि उसके अंदर पुष्पक्ष होता है जिसमें असीमित वृद्धि होती है, असीमित वृद्धि होती है तथा पुष्प होते हैं जो अग्राभिसारी क्रम में जुड़े होते हैं, जबकि ससिमाक्षी नाम से मालूम है इसमें पुष्पक्ष होता है, इसमें सीमित वृद्धि होती है तथा पुष्प होते हैं जिसके अंदर तलाभिसारी क्रम में जुड़े होते हैं, तलाभिसारी क्रम में जुड़े होते हैं। और इसके जो प्रकार थे, जो आपने एकल कक्षी हैं, एक शाखी ससिमाक्षी हैं, द्विशाखी ससिमाक्षी हैं और बहुशाखी ससिमाक्षी है। इससे आगे जो विशिष्ट प्रकार के पुष्परम जो प्रकार होंगे, जो अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।